अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते, केम छो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ट्रिमर का रिव्यू, जो है स्वीट सेंसिटिव ट्रिमर। तो इसका बहुत सारे लोगों ने अपना रिव्यू और ओपिनियन शेयर कर चुके हैं, पर बस मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर कर रही हूँ कि मुझे इसको यूज़ करके कैसा एडवांटेज मिले हैं। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, हर लड़की के दिमाग में आता है कि यार हेयर रिमूव करना है तो पार्लर जाना ज़रूरी है, पर ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पार्लर जाना नहीं भी हो तो ये ट्रिमर की वजह से आप हेयर रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत स्मॉल इन साइज़ है और ये 250 रुपीज़ मैंने लोकल शॉप से मिल लिया था। ये आप स्नैपडील अमेजोन में इजीली अवेलेबल है, स्वीट सेंसिटिव ट्रिमर। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये पूरी पैकेजिंग इसकी ऐसी आती है, जो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मेरा ये यूज़ करते करते 1 साल हो गया और मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। आपको जब भी यूज़ करना है हमेशा आपको अपना पैच टेस्ट ज़रूर करना है। जो भी न्यू चीज़ होती है आप हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर करिए। ये जो आप देख रहे हैं ये कैप है, जो हमें हमारे ट्रिमर को हमेशा हमेशा के लिए जब भी आप यूज़ करें इसको कैप लगा के रखिए कि हमेशा हमारा जो ट्रिमर है वो सेफ रहे धूल मिट्टी से। ये जो है एक ये फर्स्ट हेड, इसमें 2 हेड आते हैं, एक फेशियल हेड, ये जो हेड है ये बिकनी का हेड है, और ये जो है ये बैटरी लगाने का है। आपको इसके साथ बैटरी कुछ नहीं मिलेंगी, आपको खुद से खरीद के बैटरी लगाना पड़ेगा। तो हम चलो देखते हैं बैटरी लगा के इसका यूज़ कैसा होता है। तो ये जो राइट साइड में एक 1 लिखा होता है और 0 लिखा हुआ होता है, 1 की तरफ आप जैसी करेंगे, अभी फोकस नहीं हो रहा है, पर जैसी 1 की तरफ करेंगे ये लॉक हो जाता है, अच्छे से लॉक हो जाता है, फिर ये कभी खुलता नहीं है। फिर आप जब तक ये 0 नहीं करेंगे ये जब तक ये खुलता नहीं है। जैसी 1 होगा वैसे ही आपका ट्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो। इसे हम बिकनी लाइन, आईब्रोज और फोरहेड के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ईजी टू यूज़ है और ये जो ऐसा नहीं है कि आपका एकदम हाथ कट जाएगा, ये सिर्फ आपके लिए इजीली है कि हेयर रिमूव आपका इजी हो सकता है, ठीक है। आपका ये हेयर रिमूव अच्छे से कर देगा, बस ये इसका एक डिसएडवांटेज है, जैसे अब आपको जो थ्रेडिंग होती है वो जल्दी हेयर नहीं आते, पर आपके ये हेयर जल्दी जल्दी आ जाते हैं, इसलिए आपको वीकली 1 या 2 बार तो यूज़ करना ही पड़ता है। अगर जिसकी ज़्यादा ग्रोथ है उसको जल्दी जल्दी एक वीक में 1-2 बार यूज़ करना पड़ता है, और अगर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है तो वीक में आप 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ओपन ऐसा भी, तो आगे हम ये जो है ये फर्स्ट हेड है, इससे हम बिकनी लाइन के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ 2 कैप्स मिलते हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आप यूज़ ना करिए, मेरी सलाह ये है क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा, ये सिर्फ आप प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। इसकी ये जो हेड है, ये जो दोनों हेड है ये आईब्रो बिकनी के लिए है, एक पर्टिकुलर लेंथ तक के आपको हेयर रिमूव करता है, तो आप इसे यूज़ ना करिए क्योंकि ये सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही यूज़ करते हैं। अगर आपको ये ट्रिमर अच्छे से यूज़ करना आ गया है तो जब भी आप करिए। मेरे को 1 साल हो गया, पर बस मैं सिर्फ एक सिंपल ट्रिमर ही यूज़ करती हूँ, इसे मैं कोई कैप वैप यूज़ नहीं लगा के यूज़ नहीं करती हूँ। एक ज़रूरी बात है कि अगर किसी की भी सेंसिटिव स्किन है तो सबसे पहले अपने हाथ या कहीं भी आपको जहाँ भी यूज़ करना है वहाँ पहले पाउडर लगाइए, फिर यूज़ करिए, ठीक है। अगर इसको कोई भी पहली बार यूज़ करेगा तो अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो उसे थोड़ी सी इरिटेशन और थोड़ी सी जलन महसूस होंगी, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि थोड़ी सी जलन सबको महसूस होती है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपको ज़्यादा होंगी, तो आप कोई डरिए नहीं। तो चले हम इसे चालू करके आपको यूज़ करना बताते कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो चलो वीडियो को चालू करते हो। तो जैसे 1 करेंगे आप तो ये चालू हो जाएगा ट्रिमर, तो मैं आपको देख रही हूँ अपर डायरेक्शन में, आप धीरे धीरे आपको आगे आगे बढ़ाना, ऐसा नहीं कि एकदम ही बढ़ा दिए तो आपका एकदम से ही पूरे हेयर रिमूव हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको बढ़ाना, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। मैंने अपनी 1 उंगली का जो हेयर है वो रिमूव कर दिया है, अभी ये फोकस नहीं हो रहा है शायद, पर ये मेरे बहुत सारे हेयर ग्रोथ हो गई थी, पर ये अच्छे से रिमूव कर रहा था। अपना अपर लिप और फोरहेड इससे ही यूज़ करती हूँ, और मैं कभी भी 1 साल हो गया मैं पार्लर नहीं गई हूँ अपर हेड और फोरहेड के लिए। तो आप मेरा ज़रूर रिकमेंड है, आप इसे ज़रूर लीजिए, और लोकल शॉप में लेंगे तो आपको इजी पड़ जाएगा अभी लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पूरे हेयर रिमूव हो चुके हैं, और इसमें जो है हेयर बता रहा है, दिख रहा है, शायद ये फोकस नहीं कर रहा है अभी कैमरा, पर इसमें बहुत सारे हेयर है। इसके साथ एक छोटा सा ब्रश मिलता है, आप इजीली इसको अपने हेयर को
साफ़ कर सकते हैं और जल्द से आप कैप लगा दीजिए कि धूल मिट्टी ना दिखे। इसके बाद आप जल्दी से मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऑयल लगाइए, नहीं तो आपको जो इरीटेशन है वो ज़्यादा बढ़नी चालू हो जाती है। एक ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई भी कोकोनट का ऑयल, आपको अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो, अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप ऑयल लगा लीजिए। आप थोड़े से तो ऑयल लगा लीजिए कि आपको इतना इरिटेशन ना हो, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्टी सॉफ्टी हो गई है और बहुत अच्छी हो गई है। अगर आप हेयर रिमूव करते हो तो वैसे भी आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, तो मैं ज़रूर आपको ये रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर ये लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कैसी शाइनिंग करती है, और ये आप दोनों हाथों का डिफरेंस देख सकते हैं। ये अभी फोकस नहीं कर रहे पर आप देखिए थोड़ी सी शाइन कर रही है मेरी स्किन, हल्की सी हल्की शाइन कर रही है, जो दूसरी स्किन मेरी शाइन नहीं कर रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएंगे और हिट द बेल आइकन। और इसे हफ्ते में सिर्फ दो ये बार यूज़ करिए, ज़्यादा भी एकदम यूज़ ना करिए, नहीं तो आपके जो हेयर है वो मोटे मोटे आना चालू, थिकर थिकर आना चालू हो सकते हैं, वो आप जो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आगे भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो हिट द बेल आइकन तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो सो बाय बाय।